bismillahirrahmanirrahim dear student and parent assalamu alaikum i am fatma and i am your teacher of social study so open your book and get ready for late today our chapter is islam in southeast asia now open your book and come to the page 52 section history chapter 11 islam in southeast asia

इस ट्रेडिंग की वजह से इस्लाम फैला साउथ ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया और सब स्पाइसेस और ज्वेल थे वो बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ थे बिकॉज कार्विंग विद संस्कृत राइटिंग ऑफ द ऑफ दैट टाइम अकॉर्डिंग टू संस्कृत हिस्ट्री जब इस्लाम यहाँ इंटर हुआ था तो वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेडिंग शुरू करने की वजह से हुआ था फिफ्थ सेंचुरी में सम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया वर और बट द मेजोरिटी वर्शिप देयर ओन लोकल गॉड्स इंडोनेशिया और मलेशिया के जो लोग थे वो ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट थे और काफी लोग अपने ही खुदा बनाए हुए थे The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. Initially, the faith found a following along the coastline of Malaysian and Indonesian islands as the local people came in contact with Arab and Indian Muslim merchants. इब्तदाई तौर पर इस अकीदे को मलेशियन और इंडोनेशियन के जजीरे के साहिल के साथ मिलाया गया जब मकामी लोग अरब और हिंदुस्तानी मुसलमान ताजों के साथ राबे में आए इन द मुगल पीरियड मुस्लिम ट्रेडर इंक्रीज देयर एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया एंड मैनी ऑफ देम सेटल ऑन द कोस्ट परमानेंटली दे ट्रेडेड ऑल द ईयर एंड सेंड द गुड बैक टू द इंडिया वन शिफ्ट अराइव्ड व फेवरेबल वन मुगल दौर में मुसलमान ताजों ने साउथ ईस्ट इंश एशिया में अपनी सरगर्मियों में इजाफ़ा किया और उनमें सबसे उनमें से बहुत मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए उन्होंने सारा साल तिजारत की और जब जहाज मौजों हवाओं के साथ पहुँचे तो उन्होंने इंडिया को गुड्स भेजे the local people admired the honesty and sincerity of these merchants and many along the coastline became muslim in the 16th and 17th century there was a great deal of unrest in the interior of island as different princes struggled for power and this also led to people converting to islam throughout the region by 1800 islam was established on the rich and populous island of java मकामी लोगों ने ताजरों की दयानत और अखलास की तारीफ़ की और साहली ही जगह के बहुत से लोग मुसलमान हो गए सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी में जजीरे के अंदरूनी हिस्से में बदामनी का मामला हुआ क्योंकि मुख्तल शहजादे इकतदार के लिए जदोजहद करते थे और इसी वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल किया पूरे ख़त्े में एटीन हंड्रेड तक जावा के अमीर और आबादी वाले जजीरों पर इस्लाम कायम किया इंडोनेशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड टू हंड्रेड एंड टी टू पॉइंट एट मिलियन टू थाउजेंड सेवन अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड सेवन बाकी मुल्क में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते थे इस्लाम इज सेट है सूफी तुर्क बट हिस्ट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन डिटेल लेकिन इंडोनेशिया में जो इस्लाम फैला वो सूफी तुर्क की वजह से फैला और हिस्ट्री में उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है The Egg Kingdom at the northern tip of Sumatra was known in the 17th century as the Golden Age of Islam in Indonesia. Indonesia <Syrianites> the, the basic tent of Islam, the Quran, the practice of prayers and fasting, and the observance of other prescribed injunctions are the same in the Southeast Asia as anywhere else in Islamic world. साउथ ईस्ट एशिया में भी इस्लाम के बुनियादी असूल थे जैसा कि कुरान पढ़ना नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना जैसा कि दूसरे मुस्लिम ममालिक में होता है हाउ एवर द लोकल कल्चर एंड कस्टम हैल्सो बीन अब्जॉर्ब इन टू द ट्रेडिशन एंड लेटर सेंचुरीज अंग्रेंड टूवर्ड और इनडोनेशिया इसके बाद जो सेंचुरीज आई इंडोनेशिया में मदाराज बनाने शुरू किए और बाकायदा इस्लाम की तालीम देने लगे द नेक्स्ट लार्जस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन इज मलेशिया इस्लाम वॉज ब्रॉट टू द मलेशिया एज अर्ली एज दैव सेंचुरी बाई अरब ट्रेटर फ्रॉम ददरा मोथ रीजन ऑफ अरेबिया जो दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं वो है मलेशिया क्यों क्योंकि सेवनटीन सेंचुरी में अरब ने ट्रेडिंग शुरू की थी मलेशिया में Merchants also settled in the Philippines and Islam spread to some of its islands. When the Spanish conquered the Philippines in the late 16th century, they imposed the Roman Catholic Christian religion on most of the people. Today, Muslims represent only about 5% of the population. Jab Arab ne trading shuru ki तो वो दुनिया के हर कोने में जाने लगा अरब ने जब फिलिपाइन की तरफ ट्रेडिंग शुरू की तो वहाँ आइलैंड के लोग भी मुसलमान होने लगे और स्पेनिश के ने जब कंक्योर्ड किया तो फिलिपाइंस के लोगों को मजबूर किया कि वो क्रिश्चियन मजहब इख्तियार करें और आज सिर्फ पाँच फ़ीसद लोग मुसलमान हैं वहाँ The traditional trade routes from West Asia to the east have also transported the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. The Great Silk Route is perhaps the most famous route followed by traders and travelers, and it was through them that Islam reached China. China ki taraf se jo Great Silk Route, hai, uski wajah se Suffer Orbi, Asan Hokia. और जिसकी वजह से इस्लाम चाइना में फैल गया इन इंडिया मुस्लिम फॉर्म थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वन पॉइंट टू बिलियन हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट है और उनकी अपनी आबादी वन पॉइंट टू बिलियन है इन चाइना द मुस्लिम अकाउंट फॉर वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द पॉपूलेशन चाइना में जो मुसलमान है जिनकी रिकॉर्ड कायम है वो है वन पॉइंट फाइव परसेंट पूरी आबादी में से और पाकिस्तान के नज़दीक जो चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम पाए जाते हैं इन सेंट्रल एशिया द दफ़ बुखारा विच वॉज सीट ऑफ उबेक गोर्मेंट वॉज सेंटर फ्राम विच इस्लाम स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरिया एज दिस वॉज आल्सो लोकेटेड ऑन मेजर ट्रेड रूट ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था जिसकी वजह से इस्लाम दाखिल हुआ क्योंकि उज्बेक उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था The Central Asian state gained independence after the breakup of the Union of Soviet Socialist Republic USSR as Russian was known in nineteen ninety. Before their independence, their people, like those of other faith, had been unable to practice their religion freely since nineteen seventeen, but now they have reverted to the faith of their forefathers. USSR Logo Ne उनकी इबादत नहीं कर सकते थे जब ये ख़त्म हुई तो लोगों ने अपने मजाहब के मुताबिक इबादत करना शुरू की स्टूडन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू सो यू राइट रीज नोट्स इन योर नीट कॉपी थैंक यू अल्लाह हाफिज़